बस 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 बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान सोच रहे जल्दी बड़े हो जाए, कंस को पहले मारे। अब देखो कन्हैया परेशान है, परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो किधर आ जाओ, आ जाओ। और हमारे सिंटू भाई अपनी धर्म पत्नी को लेकर के आ जाओ ना। आ जाओ परीक्षित महाराज, जल्दी उठ जाओ, आज कन्हैया को जन्म होएगा। इतनी जल्दी ना, इतनी जल्दी ना यज्ञपति महाराज। हाँ आ जाओ। और लला के मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा मम्मी है, मम्मी आ जाओ। हैं? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ के मान्य न के मामा नाना कहाँ हैं? आ जाओ आ जाओ। आ जाओ, कैमरा ऑन कर दीजिए, लाइव कर दो। नंगला मुंशी में श्रीमान गजराज सिंह यादव जी के सानिध्य में आज भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है, और कन्हैया को छुटाने के लिए हमारी परीक्षित मैया परीक्षित महाराज, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। 5100 रुपए दोनों लोग मिलकर के भागवत पर यहाँ रखे और कन्हैया को ले जाए। अकेले नहीं रखते हैं तो सब लोग इकट्ठे कर ले। आ जाओ सब लला, नाम अपने संग ही लेवा ले जाइए, ऑर्गन सिखाए दिए सब संग ही राखे, फिर तुम रह जाइयो अकेले। बात सुंदर कन्हैया परेशान मत हो कन्हैया। हाँ और हमारे परीक्षित और यज्ञपति 500 रुपए दे करके आज कन्हैया को अपनी मैया के पास पहुंचाते हैं। और 200 रुपए कन्हैया की मम्मी के आए यहाँ पर। आशा करेंगे तुम्हारा बालक कन्हैया बन चुका है, और भागवत में जो कन्हैया बन जाता है मेरे भक्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कृष्ण बन जाता है एक बार समझ लो उसके भाग्य बहुत ही अच्छे हैं। बहुत से लोग होंगे जो कभी कृष्ण नहीं बने होंगे। हाँ आप अच्छा बारे कन्हैया बहुत सुंदर दो दफ है, अब बताओ। लेकिन हर किसी का सौभाग्य नहीं होता है कृष्ण बनने का, हर किसी का सौभाग्य नहीं होता है परीक्षित यज्ञपति बनने का। और परीक्षित यज्ञपति महाराज से हम ये विनती करेंगे कि अब गोवर्धन महाराज को यहाँ जो माता बहन अपने घर से खीरपुड़ी लेकर के आई हैं अभी इंतजार करें, लेकिन क्षमा चाहेंगे उन भक्तों से जो ये सोच रहे हैं कल समय, ये सर्दी का मौसम है जब गर्मियों में कथा होती है तो पर्याप्त समय मिल जाता है, इसलिए भक्तों से हमारा हमें क्षमा करें क्योंकि समय कम पड़ जाता है। आप लोगों के सामने नृत्य भी जरूरी है जो आप लोगों की इच्छा होती है, और हम एक एक कथा को रोज झांकियों के द्वारा दिखाते हैं तो समय लग जाता है, इसलिए अब आगे की जो कथाएँ हैं हम गद्य में आप तक पहुँचाएंगे, इसके लिए क्षमा करना।